बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जाना न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नज़र डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले पिंडी भटिया से जाना न्यूज़ की सालगिरह के हवाले से बात करेंगे। मीडिया हाउस पिंडी भटिया में जाना न्यूज़ की सालगिरह का केक काटा गया। केक काटने की पूर्व कार्ड तकरीब मीडिया हाउस पिंडी भटिया में मुनाकिद की गई और जनरल न्यूज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया, जिसमें मीडिया हाउस के सरपरस्त आला चौधरी मोहम्मद आतिफ कोनू, चेयरमैन हाजी फयाज अहमद, सदर अहमद जकी, जनरल सेक्रेटरी बरकत अली, फाइनेंस सेक्रेटरी हसनैन शेख, एडिशनल सेक्रेटरी खुरम शहजाद, मेहरान शौकत और डिप्टी ब्यूरो चीफ जनरल न्यूज हाफिज कासिम चिश्ती ने केक काटने की तकरीब में शिरकत की। शुरका ने कहा कि जनरल न्यूज ने बहुत कम अरसे में अवामी मसाइल को उजागर किया और अवाम की मौसर आवाज बना। सबसे पहले तो जनरल न्यूज़ को की सालगिरह पर मुबारकबाद देता हूँ और जनरल न्यूज़ ने थोड़े अरसे में जो है वो काम करके दिखाया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मीडिया हाउस की तरफ से जनरल न्यूज़ को किसी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक और माशाल्लाह से 3 साल के कम अरसे में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हमारे साइड में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। खासतौर पर जिनके डिप्टी ब्यूरो चीफ है हमारे पास कासिम भाई, इन्होंने लोगों का बहुत अच्छा साथ, इन लोगों के मसाइल को उजागर किया, तो हम इन्हें बहुत खराज तसीम भी पेश करते हैं, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं जी। उन्होंने इतना अच्छा मौका हमें फ्राहम किया और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। जनरल न्यूज के तमाम टीम को हम साल कंप्लीट होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने बड़े कम अरसे में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कौन सी है वो अपनी जाहिर की है, लोगों के मसायल को उजागर किया है, साथ साथ उन मसायल को उजागर करने के साथ साथ लोगों की कानूनी तौर पर जो हेल्प की है उस पर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नासिर अब्बास अराइन। जनरल न्यूज़ टीम को सबसे पहले तो 30 साल की बहुत बहुत मुबारक हो और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह जनरल न्यूज़ ने पहले ईमानदारी से और मिस्ब सहाफ़त को उजागर कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी इसी तरह करते हैं।